राशन डीलर समन्वय समिति के द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन कार्य बहिष्कार के रूप में किया जा रहा है। हमारी जो कार्य बहिष्कार है 1 अगस्त से अनवरत आज 9 दिन तक बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है, और जब तक हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लिखित रूप से आदेश जारी नहीं करेंगे तब तक हम हमारा आंदोलन लगातार चलाते रहेंगे। किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण और उठाव नहीं करेंगे। हमारी जो 9 सूत्रीय मांग है उन पर 4 साल से हमें सिर्फ आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं उनको मानते हुए उसको और लागू किया जाए। हमारे जैसे मानदेय है, मिनिमम इनकम गारंटी है या कमीशन वर्दी है, छीजत है, प्राधिकार पत्र संशोधन है और अनुकंपा नियुक्तियों में शिथिलता के प्रकरण है, कोविड के प्रकरण है, उन सब मामलों को लेकर के जो हमारी मांगे हैं उनको सबको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारे 7 महीने से हम लोगों को जो कमीशन नहीं मिला है वो कमीशन हम लोगों को अविलंब दिया जाए, क्योंकि 7 महीने से राशन डीलर बिल्कुल भूख की स्थिति में आ चुका है। उनके पास में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर से अन्नपूर्णा फूड पैकेट और लेकर के आए हैं जिसमें 4 रुपए मात्र कमीशन पर पैकेट दिया जाना है। अगर 500 दुकानें 500 राशन कार्ड होते हैं एक दुकान के ऊपर अधिकतम, तो अगर 500 के हिसाब से देखें तो 2000 रुपए का कमीशन बनेगा, और उसमें से अगर टूट फूट या रख रखाव या मेंटेनेंस अगर आता है, दुकान का किराया हो गया, मजदूरी हो गई, और उसके अलावा अगर चूहे काट गए तो उसका छीजत हो गया, अगर एक पैकेट तेल को भी काट गए और फिर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट 2 या 3 बार लगाना, तो हम सबसे पहले तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अन्नपूर्णा फूड पैकेट उसका हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिनिमम इनकम गारंटी 20,000 रुपए अगर हमारे को देने के लिए तैयार है, हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार है, तो हम अन्नपूर्णा फूड पैकेट को फ्री में भी वितरण करने के लिए तैयार है। मैं मेरे सभी डीलर साथियों से को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही संयम और धैर्य के साथ में और सूझबूझ के साथ में अपने आंदोलन को लगातार इसी प्रकार से बना रहे हैं और बना करके रखेंगे। हम किसी भी कीमत पर फूड पैकेट का वितरण नहीं करेंगे, चाहे सरकार किसी भी प्रकार का दबाव लेकर के आए, चाहे हमें सस्पेंड करे, नोटिस दे, टर्मिनेट करे, जो सरकार की मंशा है वो करे। हमारे गोदामों में जो माल रखा हुआ है सरकार अगर किसी और से वितरित करवाना चाहती है तो हम हमारे गोदाम खोल देंगे, वो सामग्री ले जाकर के किसी से भी वितरित करवाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे गोदामों सरकार का कहना है कि आपने गोदामों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप सामग्री नहीं दे रहे, तो वो गोदाम हम खोल देते हैं और उन गोदामों से जो भी सामग्री है जिससे भी वितरित करवाना है करवाए, लेकिन हम वितरण नहीं करेंगे।